अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमन जोन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी और जल्दी से बन जाने वाला सैंडविच, और ये है क्लब सैंडविच विद ग्रिल। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है एक पॉट, और उसमें मैंने 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिया है, और हाफ कप यहाँ पे मैंने वाटर ऐड किया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हसबे जायका और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और इसे हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो चिकन यहाँ पे बॉईल हो चुकी है, अब इसे हम श्रेडेड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून मायोनीज, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के करीब, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 एग्स, उसमें मैंने डाला है नमक और काली मिर्च। तो यहाँ पे एक पैन को थोड़ा सा ग्रीस करके हम प्लेन ऑमलेट रेडी कर लेंगे। क्लब सैंडविच जो है वो 3 लेयर में ही रेडी होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, और इसकी हम किनारी कट कर लेंगे। पहले हम इसको पैन में थोड़ा सा सेक लेंगे। दोनों तरफ हल्का सा ब्राउन होने तक हमें सेकना है। तो व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ये सैंडविच ट्राई करना, बहुत इजी और जल्दी बन जाने वाली डिश है। पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, या बच्चों के टिफ़िन में भी हम इस तरह से सैंडविच बना के दे सकते हैं। तो अब हम सैंडविच असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम बटर लगाएंगे, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो मायोनीज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेटस ले लिया है, सलाद के पत्ते, और उसके ऊपर कुकम्बर रख दिया है, और ये ऑमलेट जो हमने बनाया था, और उसके बाद एक स्लाइस चीज़। फिर नेक्स्ट ब्रेड पर हमने जो मिक्सचर रेडी किया है वो रखेंगे, और हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया है। अब अगेन पैन पे एक बटर, थोड़ा सा बटर अप्लाई करके हम इसे ग्रिल कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें ये दोनों साइड से सेकना है। पलट देंगे, दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से सेक लेना है, और अब हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो
इसे हम 4 पार्ट में कट कर देंगे और इसे सर्व करेंगे टमाटो केचप और मायोनीज के साथ में। तो व्यूअर्स, आपको कैसे लगी ये रेसिपी? आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।